ग्वालियर के मलघड़ा में सीएम राज स्कूल के निर्माण को लेकर शिक्षा विभाग की घोर लापरवाही सामने आई है। सीएम राज स्कूल निर्माण के लिए शिक्षा विभाग ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और स्थानीय निकायों की अनुमति नहीं ली है। हैरत की बात तो यह है कि बिना अनुमति से 39 करोड़ की लागत से स्कूल बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है, जिसे अधिकारियों ने अवैध घोषित कर नोटिस भेज दिया है। अधिकारियों का कहना है कि मामले में जाँच की जा रही है, उच्च अधिकारियों को अवगत कर कार्यवाही की जाएगी। सीएम राज स्कूल का ये पहला केस है जो, इससे पहले जब वर्णन जी केसेस तो आते रहे हैं, ये पहला केस है जो ऑनलाइन माध्यम से हमारे यहाँ पर प्रस्तुत हुआ था। उसमें अप्रोच रोड और प्लस वो ऑलरेडी किसी स्कूल में बना हुआ था, उस पर बन रहा था, उसके रिगार्डिंग हमने कुछ दस्तावेज थे जो उनसे मांगे थे मैडम से, प्रिंसिपल मैडम का काम लगा था, तो उनकी तरफ से उसका कोई जवाब आया नहीं, इस कारण वो केस हमको रिजेक्ट करना पड़ा। क्योंकि जो भी मापदंड है मास्टर प्लान के और भूमि विकास नियम के, उसके अकॉर्डिंग वो होना चाहिए। यह जो सीएम राय विद्यालयों के भवनों का निर्माण है वो हमारे यहाँ MPHITC उसमें निर्माण एजेंसी है, और इसी तरीके से एक आर्किटेक्ट भी हमारे यहाँ हायर किया हुआ है, और इसके आधार पर जो जिला प्रशासन ने हमको भूमि उपलब्ध कराई थी और वो भूमि अतिक्रमण से मुक्त थी, और इस प्रकार की भूमि पर जो नक्शा बना था उस नक्शे को के आधार पर निर्माण कार्य कंपनी करा रही है। ये जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से भवन मुद्दा लेने का प्रश्न है, इस संबंध में वरिष्ठ कार्यालय से प्रक्रिया जारी है और हम सभी लोग टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अधिकारियों से, वरिष्ठ अधिकारी भी और हम लोग भी संपर्क में हैं, ताकि इस तरीके की जो तकनीकी त्रुटि हुई है उस तकनीकी त्रुटि को दूर करते हुए विधिवत जो स्ट्रीम लाइन प्रक्रियाएँ हैं उनको करके भवन निर्माण आगे जारी रखा जाए।